गोरखपुर के खोराबार पुलिस ने दो स्मैक तस्करों को पकड़ने में कामयाबी पाई और उनकी निशानदेही पर 196 ग्राम स्मैक, अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए, 33 मोबाइल, 2,55,305 रुपए बरामद किए। पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि नशे का कारोबार करने वाले दो तस्कर खोराबार इलाके में मौजूद हैं। पुलिस ने मुखबिर के बताए गए ठिकाने भक्ति तिराह ग्राम फल मंडी से घेर कर पकड़ लिया। पकड़े गए अभियुक्त की पहचान राजू निषाद व राम करण निषाद, दोनों निवासी महवा थाना खोराबोर के रूप में हुई है। पकड़े गए अभियुक्तों की तलाशी के दौरान 196 ग्राम स्मैक, अनुमानित कीमत 20 लाख रुपया, 33 मोबाइल फोन, 2,55,305 रुपये बरामद हुआ। पकड़े गए अभियुक्तों को पुलिस ने सासुंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने कहा, आईएमआई नंबर से और उसे हम पता करेंगे। 300 मोबाइल फोन और टैबलेट नहीं, ये खरीदार है। पैसे और मोबाइल बना लें तो पहले तो हो गया। ये ऊपर ऊपर वाला क्या सर, ये ऊपर जो रखा है एसीओ करंट और इंस्पेक्टर खोराबार के नेतृत्व में चौकी इंचार्ज फलमंडी, उनकी टीम ने स्मैक के दो बड़े कारोबारियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लगभग 200 ग्राम स्मैक और बिक्री के 2 लाख से अधिक के रुपए, ये रुपए फुटकर मतलब 10 या 20 रुपए के हैं, कुछ सिक्के में भी हैं, ये बरामद किए गए हैं। और इनके पास से कुल 33 मोबाइल फ़ोन, जो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा एंड्रॉयड और स्मार्टफोन है, इसमें टैबलेट भी हैं, अभी बरामद हुए हैं। जाँच पड़ताल से पता लगा है कि जो शहर में मोबाइल की छिनैती या चोरी घटनाएँ हो रही हैं, ये लोग चोरों लुटेरों से मोबाइल खरीद के उनको स्मैक की बिक्री भी करते हैं और पैसे भी बेचते हैं। ये कुल 33 मोबाइल और टैबलेट, 2 लाख रुपए, लगभग 2 लाख से ज़्यादा ही रुपए हैं, और 200 ग्राम स्मैक बरामद की गई इनके पास। अब आप इनसे पूछ लीजिए, पहले ये बता रहे हैं कि 5-6 महीने पहले ये इस धंधे में कूदे हैं, इन्हें काफ़ी लाभ हो रहा है इस धंधे में। इसके पहले बता रहे हैं गौशाला के पास ये खेती बाड़ी वाला काम करते हैं दोनों सगे भाई। अभी विस्तृत जाँच की जा रही है, जो इनके पास बिक्री के पैसे थे उस समय जहाँ पर स्मैक बरामद हुई है वहीं पर ये पैसे मिले हैं उनके पास से। इसकी हम विस्तृत जाँच कर रहे हैं कि स्मैक कहाँ से आ रही है, ज़्यादा संभावना भी बाराबंकी से आ रही है, और इनके कैरियर कौन है, इनके थोक व्यापारी कौन है, इसकी विस्तृत जांच की जा रही है।